जब बात होती है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल टीम्स इन द वर्ल्ड के बारे में तो सबसे पहला नाम आता है वर्ल्ड कप विनिंग टीम ऑफ ब्राजील इन 2002। ब्राजील जो कि वर्ल्ड कप को 5 बार जीत चुके हैं एंड आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री इन द टूर्नामेंट के पास थे दुनिया के उस टाइम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इंक्लूडिंग द 3 R's रोनाल्डो रिवाल्डो एंड रोनाल्डिनियो। इस टीएफबी स्टोरी में जानेंगे ऑन हाउ ब्राजील वॉन द वर्ल्ड कप इन 2002। दिस वीडियो सपोर्टेड बाय इंडियाज वेरी ओन प्रेट पे प्लेटफॉर्म खेल राजा। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज डू हिट द लाइक बटन टू सपोर्ट आवर चैनल। तो इन 2002 लुइस फिलिपे स्कोलारी ने टीम को डिवाइड किया इन टू पार्ट्स विद 7-3 और फॉर्मेशन रखी 3-4-2-1 या फिर 3-4-1-2। स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक ब्राजील के पास थे वेरी टैलेंटेड एंड वन क्लब मैन मार्कोस जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्राजीलियन क्लब पैल्मीरस के लिए खेले फ्रॉम 1992 टू 2011 एंड प्लेड अ की रोल इन ब्राजील्स विक्ट्री बाय कीपिंग 4 clean sheets इन द टूर्नामेंट जिसमें से एक आई क्रूशियल वर्ल्ड कप विनिंग फाइनल अगेंस्ट जर्मनी। ऑन द डिफेंस बैक थ्री ऑफ लूसियो एडमिल्सन एंड रॉक जूनियर का काम था टू कीप अ सॉलिड डिफेंसिव लाइन एट द बैक। सेंटर बैक एडमिल्सन एक ओल्ड फैशन क्वार्टर जेनेरो थे जिसको टिपिकली ब्राजील में एक ऐसी पोजीशन को बोला जाता है जो कि एक सेंटर बैक होकर भी अटैक में काफी फ्रीली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू स्टार्ट द काउंटर अटैक्स। और उनके आगे थे दो बहुत ही टैलेंटेड स्क्रीनिंग मिडफील्ड डुओ ऑफ गिल्बर्टो सिल्वा एंड खेलबर्सन। वैसे तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने पर स्कोलारी वेंट विद अनदर टैलेंटेड प्लेयर जुनिनियो बट उन्हें बाद में ड्रॉप कर दिया गया। लेफ्ट और राइट साइड में ब्राजील हैड द टू अनमैच्ड इंजन्स जिनका वर्क रेट आज भी काफी यंग प्लेयर्स मैच करने की कोशिश करते हैं, काफू और रॉबर्टो कार्लोस जो कि पूरी ही लाइन कंट्रोल करते थे चाहे वो अटैक हो या सपोर्ट करना हो। दोनों ही प्लेयर्स यूज्ड टू डोमिनेट एंड कंट्रोल द मिडफील्ड। पीछे इन 7 प्लेयर्स का काम था आगे 3 R's को प्रोटेक्ट करना जो कि थे रोनाल्डो रोनाल्डिनियो और रिवाल्डो। रोनाल्डिनियो वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर्स इन फुटबॉल का काम था टू पुल डिफेंडर्स जिससे अंदर और आगे और स्पेस मिल सके। बॉल मिडफील्ड से कलेक्ट करने के बाद ही कुड इजिली ड्रिबल पास 2-3 defenders टू सेट द बॉल परफेक्टली फॉर रोनाल्डो। वहीं एक और वर्ल्ड क्लास टैलेंटेड स्ट्राइकर रिवाल्डो थोड़ा सा वाइड रहकर ऑपरेट करते थे जिससे अल्टीमेटली मौका मिलता था टू लॉन्च द गोट R9 एट द फ्रंट। ब्राजील के इन तीनों स्ट्राइकर्स ने मिलकर बैंक किए 15 गोल्स इन द टूर्नामेंट और रोनाल्डो आल्सो वेंट ऑन टू विन द गोल्डन बूट बाय स्कोरिंग 8 goals। टू समराइज दिस हर एक प्लेयर से उनकी पोजीशन का बेस्ट निकलवाना जहां पर वो अपने गेम को एक्सप्रेस कर पाए ऑन द पिच, ये थी कहानी वन ऑफ द मोस्ट फियर टीम्स ऑफ ब्राजील इन 2002 जिससे उन्होंने लिफ्ट किया अपना 5th title ऑफ द टूर्नामेंट। This video is supported by India's very own Predplay platform, Khel Raja. To know more about Khel Raja, do check out the link in the description aur hamari baaki ki TFB stories bhi dekhna mat bhuliyega. This is me, Prane, signing out and I'll see you in the next World Cup video.